और हुजूर ने झंडा भी फिर इनको पकड़ा दिया मैदान ओद की तरफ जाते हुए। सादैन दो साद आगे थे, झंडा हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथ में था और सहाबा दाएं बाएं और रसूलुल्लाह घोड़े पर जलवागर और तय बंद बंद की भी झंडा हुजूर का ऐसे 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 जा रहे थे ऐसे ऐसे। और कपड़े तो थे कोई नहीं लेकिन फिर भी बड़ी खुशी खुशी जा रहे थे और हुजूर ने झंडा भी पकड़ा दिया। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, मन और सलवा खा के कौमे मूसा कहने लगी आप जाएं और आपका रब जाए। और जब सहाबा की बारी आई तो फिर तय बंद बन के भी चल पड़े। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। सत्तर सत्तर जख्म लगे हुए, सत्तर शहीद हो गए। और जब सुबह हुई तो इत्तला मिली कि फिर लश्कर कुफार वापस आना चाहता है मदीना मुनव्वरा में। वो सोचा उन्होंने कि हमें मदीना पाक पर हमला कर देना चाहिए था। जब नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली लश्कर कुफार की तो हुजूर ने हजरत बिलाल को फरमाया आज़ान दें। जब आज़ान हुई तो सहाबा आ गए, जख्मों से खून बह रहे हैं। सेब काटते हुए जख्म नहीं लगा, ना ना, वो दुश्मन के जख्म वो भी तलवारों तीरों और नेज़ों के थे और जिस्म से खून बह रहा था। हुजूर ने फरमाया आ गए तो फरमाया भाई सुना है फिर वो आ रहे हैं। तो अर्ज़ की हुक्म क्या है? फरमाया चलिए। तो उन्होंने कहा जी चलिए।